आज दिल्ली का बजट पेश किया गया और मेरे साथ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। आज का बजट को नाम आपने दिया रोजगार का बजट कैसे थोड़ा लोगों को समझाएं? दिल्ली सरकार बहुत रिसर्च करने के बाद और फील्ड में जाके बात करने के बाद समझने के बाद पूरी योजना बना के लाई है बहुत इंटीग्रिटीज़ में जाके कि दिल्ली में अगले पाँच साल में बीस लाख रोजगार नए बीस लाख नई नौकरियाँ कैसे क्रिएट हो सकती हैं उसका आज हमने बजट में खाका पेश किया पहले साल में ये करेंगे उसके अगले आने वाले सालों में कुछ और काम होगा तो उसका पूरा बजट का हमने तैयारी की है और उसी पर काफ़ी कुछ करीब 800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट भी किया है ताकि मार्केट्स में शॉपिंग फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पॉलिसी से दिल्ली को टूरिज़्म में बढ़ाने में इन सबसे जो नए जॉब्स क्रिएट होंगे आज नौजवान रोज़गार चाह रहा है और हमने सरकार में बैठ के वही पॉलिसी बनाई है मैं आपको कल भी सुन रहा था आपने कहा कि पहली सरकार है जो बजट का आउटकम भी लेके आती है बजट के लिए गया तो उसमें क्या आया इस बार भी आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट ऑडिट भी होगा कि जिस विभाग में इतना पैसा जा रहा कितना रोज़गार मिला अब से दिल्ली सरकार में जो भी पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी में निश्चित रूप से जो उसका आउटपुट होता है वो ये भी तय होगा कि भाई ये पैसा है इससे एक टेबल खरीदी जाएगी या इससे एक कमरा बनाया जाएगा या इससे गाड़ी खरीदी जाएगी या इससे सर्विस हायर की जाएगी वो उसका आउटपुट हो गया उससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा जैसे आप रेडियोलॉजी की मशीन खरीदते हैं तो रेडियोलॉजी की मशीन खरीदना एक आउटपुट हो गया उसका आउटकम यह हो गया कि उससे कितने लोगों का ट्रीटमेंट होगा और अब उसका जॉब आउटकम यह होगा कि जब ये पैसा खर्च होगा तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तो हर योजना का अब दिल्ली सरकार में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा कि किस योजना से कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा अच्छा मनीष जी आपने कहा कि अगले पाँच साल में बीस लाख रोजगार के अवसर आ, मैं केजरीवाल जी को भी सुन रहा था उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में बारह लाख लोगों को रोजगार दिया गया अगर इस कम्पेरिजन में देखें तो ये आधा है, होता है और अगले पाँच साल में क्या नीति है कि उसको कैसे डबल किया जाएगा एक तरफ पाँच साल में अगर बीस लाख और अगर देखें पिछले सात साल का तो लगभग बैठता है दस लाख के आसपास देखो अगर पिछले सात साल को देखेंगे तो उससे पहले को भी देखना पड़ेगा तीस हजार करोड़ के बजट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया लोगों को ढाई गुना हो गया हाँ बजट एजुकेशन ढांचा पूरी तरह से टूटा पड़ा था हेल्थ ढांचा पूरी तरह से टूटा पड़ा है, वो अब धीरे धीरे ट्रैक पे आया तो आज हम खड़े होकर मार्केट में खर्च कर रहे हैं आज सात साल पहले आप मुझे कहते कि आप करोल बाग के मार्केट का टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहोगे या स्कूल को ठीक करना चाहोगे करोल बाग के तो मैं कहता पहले मैं स्कूल को ठीक करना चाहूंगा करोल बाग के वहाँ के अस्पताल को ठीक करूंगा उसके बाद करोलबाग के मार्केट को टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कह रहे हैं कि हम करोलबाग के मार्केट को भी टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे या किसी जो भी मार्केट पर जिन पर काम होना है तो उससे रोजगार बढ़ेगा और पाँच साल में आप देखना बीस साल से ज्यादा बीस लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे अच्छा आज पंजाब के वित्त मंत्री भी आए तो क्या दिल्ली मॉडल पंजाब की तरफ शिफ्ट हो रहा है दिल्ली मॉडल तो पूरे देश में शिफ्ट होगा अब दिल्ली में स्कूल पे काम अस्पताल पे काम और पंजाब में तो पंजाब के लोगों ने वोट दिया है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि पंजाब के वित्त मंत्री जी आए आ, बहुत इंस्पायर थे वो इस चीज़ को लेके कि रोज़गार बजट दिया है पंजाब को भी रोज़गार की ज़रूरत है तो हो सकता है यहाँ के कुछ आइडिया वो लेके जाएं कल को पंजाब में जब वो बजट पेश करेंगे हो सकता है मैं वहाँ से कुछ आइडिया लेके दिल्ली के लिए आऊँ तो अब हमें एक दूसरे से सीखना है होती रही। बिल्कुल सीखना चाहिए आपने एक व्यापारियों के लिए और बड़ी बात कही आपने कहा कि जिन व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं कर माफी योजना के बारे में आपने कहा दो चीजें हैं एक तो कर माफी है और एक मुकदमे वाला मुकदमे है कर माफी तो दोनों तरफ से है मतलब यहाँ भी वैट वाले मसले पे भी है कि अगर उनके वन टाइम कर माफी दे दी जाए तो वो एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे हम वैट के मुकदमे खत्म कर देंगे दूसरा जो शॉपिंग फेस्टिवल्स होंगे वो चाहे डेली शॉपिंग फेस्टिवल हो या होलसेल फेस्टिवल हो उसमें भी हमने योजना बनाई है कि जब जब फेस्टिवल्स होंगे तो उस दौरान जो जो लोग छूट दे रहे होंगे अपने ग्राहकों को उनको सरकार की ओर से भी फिर कर में माफी मिलेगी कर में माफी मिलेगी आज आपके नाम के रिकॉर्ड भी बना है आप वित्त मंत्री बने हैं ऐसे जो लगभग आठ बार उन्होंने बजट पेश किया है ये मेरा सौभाग्य है अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा है मुझ पर और उनके विजन को मैं आगे लाने के लिए वित्त मंत्री के रूप में काम कर पा रहा हूँ ये अच्छी बात है मेरे लिए भी। बात है शुक्रिया तो दिल्ली के वित्त मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले पांच सालों में बीस लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे बिजनेस राजीव के साथ जितिन भाटी टीवी नाइन भारतवर्ष दिल्ली